हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। अभी आज थर्सडे है, मेरी तबीयत जब से ख़राब हुई थी आपको बताओ, थोड़ी बहुत ठीक लगी फिर से ऐसे। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। विभू स्कूल उनको तैयार कर दिया था, वो स्कूल चले गए, अभी छोड़ने गया है रवि, बस आ रहा है, तुरंत मैं भी निकलूँगी। तो दिखा के आती हूँ, क्या है समझ नहीं आ रहा है कुछ। आज डॉक्टर साहब भी वहाँ से चल दिए हैं, आज आ जाएंगे। अम्मा भी आ रही हैं, मतलब सासू माँ दोनों लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो दोपहर तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ डॉक्टर को दिखा के, फिर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं हॉस्पिटल से दिखा के अभी अभी बस आई हूँ, ज़रा सा देर हुआ। अब चल के फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। सादा ही खाना बनाऊंगी क्योंकि तबीयत भी बहुत सही नहीं है, सिंपल खाना बनाऊंगी और अम्मा को भी सादा ही खाना सही लगेगा। कल से देखूंगी तबीयत थोड़ी ठीक होगी तो फिर कुछ और ट्राई करूंगी, कुछ उनको पिज़्ज़ा भी खिलाऊंगी घर पे बना के। और बाहर का पिज़्ज़ा तो पहले मैंने कोशिश किया था, उनको पसंद नहीं आया था, लेकिन घर पर बनाऊँगी तो खाएंगी। तो देखते हैं और क्या क्या बनाते हैं कल से। आज तो दाल चावल रोटी सब्जी रायता यही बनाऊंगी। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैं और मैंने खाने में बना दिया है, रोटी इसमें बना दिया, रोटी बना दिया, इधर रायता, थोड़ी सी सब्जी ये बना दिए हमने, टपोरे बेसन और मिर्च के टपोरे, इधर दाल डाल दिया, एक में चावल डाल दिया। ये सब खाना मेरा बन गया है। बस ये लोग अभी बस आधे घंटे में आने ही वाले हैं, अभी बस ये लास्ट में मैंने टपोरे बनाए हैं, ये ठंडा हो जाए बस बोल में निकाल देती हूँ। निकाल लेती टपोरे, तो मैं ढक के रख देती हूँ। पानी ले आती हूँ मैं। यहाँ पे मम्मी उसके अंदर मेरा स्टैचू गीला हो गया। अरे पानी आ रहा है यहाँ भी, बहुत तेज बह रही। उनके देखो कैसे निकल रहा है पानी है। बड़ा करूँ, रुको, देखो कैसे पानी उनके छत से गिर रहा है, देख रहे हैं? दूर का कैसे तो दिख ही नहीं रहा है। एक बार के बाद, हाँ, के बाद दिख ही नहीं रहा।
बहुत तेज बारिश हो रही है, नीचे जमीन देखो भर गई उधर। अरे मेरे मोबाइल में ही पानी आ जाएगा। कोई है इतना बड़ा पौधा जल्दी सो गया मकोल। ओ मम्मी पानी बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। इधर दोस्त सब आ गए हैं, अम्मा अभी आ गई हैं। बस मैं खाना इन लोगों के लिए चल रही हूँ, बस खाना परोसने के लिए, बस नहा ले। अम्मा गई नहाने, अभी इनकी तैयारी है नहाने की। अब मैं बना रही हूँ अभी रायता, क्योंकि थोड़ा सा खीरा कम था तभी मंगा के ये मैंने दही को ये रायता मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो खीरा बस थोड़ा सा बाकी था, बस ये बना के इनको खाना परोसती हूँ, फिर मिलते हैं। उधर भुट्टा भुन रही हूँ, मैंने कहा इसी पे भुन देती हूँ, जिस पे हम बाटी मेकर हैं वो बाटी का तंदूर होता है ना, इसी पे भुन रही हूँ। तो बहुत बढ़िया भुन जाता है इस पे, ये देखो बहुत बढ़िया भुन रहा है। वो तो आएंगी 8 बज जाएगा, उनको आने में 8 बजेगा। मैं भुट्टा अपना दिखा दूँ, इतना बढ़िया भुना है। यहाँ पे शाम को बना रही हूँ अरवी की सब्जी। अरवी को अलग से एकदम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने रख दी हूँ। दूसरी तरफ 2 चम्मच मैंने घी डाला है, इसमें छौंकने के लिए अजवाइन, जीरा और हींग तीनों को तड़का लगा दिया। इसके बाद में मैंने पीस लिया है अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज, एक इसे ऑयल में दे दिया है। इसको थोड़ी देर तक भुनेंगे, अच्छे से भुनेंगे जब तक ये ऑयल अलग नहीं होने लग जाए। इसको देखिए, ये देखिए सेकंड स्टेज में ये स्थिति हो गई है। अब दही ले लिया है मैंने 4 से 5 चम्मच, जितना आपकी अरवी हो उसी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसमें हल्दी, ये रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी नहीं है, और ये धनिया पाउडर, और ये नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से, इसको मिक्स कर लीजिए कोई गुठली नहीं रहे और बिल्कुल ही कोई लम्स न रहे, उसके अलावा बढ़िया स्मूथ हो जाए, अच्छे से मिल जाए सब। मिला लिया, अब आइए इसको डाल देते हैं सब्जी में, क्योंकि इसका ऑयल अलग हो चुका है। अब इसको डाल दे रहे हैं और इसको भुनेंगे एक साथ में, लगातार अब चलाना पड़ेगा क्योंकि दही है तो फटेगा, इसलिए इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये लीजिए, अब जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाए तब तक इसको भूनते रहिए, चलाते रहिए, जिससे कि फटे भी नहीं और उबाल आ जाए। अब देखिए उबाल के बाद में ये एकदम से पानी भी सूख गया है, ऑयल छोड़ने लग गया है। अब इसमें जो हमने जिसमें मसाले रखे थे उसी में पानी डाल के उसको भी डाल दे रहे हैं। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हो, मैंने इतना पानी डाला है, आप और डाल सकते हो और अच्छी ग्रेवी बना सकते हो। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, इसके साथ धनिया पत्ती अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हो तो यहीं पे बढ़िया बारीक ढेर सारी धनिया पत्ती काट के डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आप लोग ज़रूर डालिएगा। ये मैंने अरवी मेरी
देखिए एकदम बढ़िया फ्राई हो गई, पक चुकी है एकदम से। अब इसको हम लोग डाल दे रहे हैं। अब मैंने अरवी दे दिया, अब इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। ये देखिए थोड़ी देर के लिए इसको आप चाहो तो ढक दो। ये देखिए बढ़िया ऑयल एकदम अलग सब्जी बनके तैयार है। तो कैसी लगी आज की सब्जी और आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली देखिए फाइनल रिजल्ट ऐसा रहा, लास्ट में ये ठंडा हो गया है तब मैं आपको दिखा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।